हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन रिट्रीवर के टॉप क्वालिटी के पपीज़। जो मदर है वो इंपोर्ट की डायरेक्ट डॉटर है, ये वाली जो डायरेक्ट इंपोर्ट की डॉटर है उसका नाम है ब्लू, उसकी डॉटर है ये। एंड जो फादर है इन पपीज़ का वो है गोल्ड वैन, जो भी बहुत ही एक फेमस डॉग रहा है। सो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी के पपीज़ हैं, टॉप क्वालिटी के इंपोर्ट ब्लड लाइन के, एंड पूरे हेल्दी एंड एक्टिव पपीज़ हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको इन पपीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इनकी क्वालिटी, एक्टिविटी एंड ऑल दिखाया जाएगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, वीडियो में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पपीज़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। सो गाइस, वीडियो के अंदर आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, मदर की कंडीशन आप चेक कर सकते हो और पपीज़ को भी देख सकते हो। देखिए, मदर ने जो इनके पपीज़ की मदर है, इन्होंने अभी अभी थोड़े ही टाइम पहले, एक महीने पहले पपीज़ दिए थे, बट फिर भी इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है। और इसके बालों की कंडीशन आप चेक कर सकते हो। गोल्डन रिट्रीवर में डार्क कलर की फुल टॉप क्वालिटी की फुल लॉन्ग कोट की फीमेल है और इसके पपीज़ को आप चेक कर सकते हो। पूरे हेल्दी एंड एक्टिव पपीज़ हैं, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में दिखाता हूँ। आप पपीज़ की क्वालिटी चेक कीजिए गाइस, देखिए कितने सुंदर, कितने हैवी बच्चे हैं ये, इंपोर्ट लाइन के बच्चे हैं, कोई भी कमी नहीं है, अल्टीमेट क्वालिटी के पपीज़ हैं। जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पपी चाहिए उनके लिए अवेलेबल है ये, आप चेक कर सकते हो। और दूध पिला रही है अभी भी। अगर आप सोचिए अभी इसका ये कंडीशन है मदर की, 8 पपीज़ देने के बाद अगर इतनी सुंदर है मदर, तो जिस टाइम इसके पपीज़ नहीं थे तब कितनी सुंदर होगी। अभी तो इसके नीचे से बाल कट किए हुए हैं, इस वजह से थोड़ी सी आपको ये अलग लग रही होगी, नहीं तो बहुत टॉप क्वालिटी की मदर है। और पपीज़ को तो आप देख ही सकते हो, पूरे हेल्दी एंड एक्टिव पपीज़ हैं, नोटी नोटी से बच्चे हैं। वो देखिए चाऊ चाऊ के साथ पंगे ले रहे हैं, खेलने का ट्राई कर रहे हैं। एंड चाऊ चाऊ भी लोग अग्रेसिव कहते हैं, बट ऐसा तो कुछ होता नहीं कि चाऊ चाऊ अग्रेसिव, मैंने तो देखा नहीं। आप देख सकते हो फ्रेंडली फीमेल है, इसके भी थोड़े बाल कट किए हुए हैं गर्मी के कारण। और ये शेडजू है, प्यारी प्यारी सी फीमेल अपनी। और आप क्वालिटी चेक कर सकते हो गाइस, इम्पोर्ट लाइन के अल्टीमेट क्वालिटी के पपीज़ हैं। और गोल्डन रिट्रीवर, अगर आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पपी चाहिए जो कि वाकई में पूरे हैवी बोन के हों और काफ़ी अच्छे बच्चे बने आगे जाकर, तो आप इन पपीज़ के लिए ट्राई कर सकते हो। इनमें से हमारे पास 2 फीमेल्स और 1 मेल बुक हो चुका है, बाकी पपीज़ अवेलेबल है। कंडीशन आप इनकी चेक कर सकते हो, इनको ब्रशिंग की ज़रूरत पड़ती है, ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। मदर की आप कंडीशन चेक कर सकते हो, पपीज़ को आप चेक कर सकते हो, कोई भी कमी नहीं है। अगर कोई भी बंदा कोई कमी बता दे तो है ही नहीं कोई कमी, टॉप क्वालिटी के पेरेंट्स हैं एंड टॉप क्वालिटी के पपीज़ हैं। विद पेपर्स आपको बच्चे मिल जाएंगे ये, आप इनकी हेल्थ एक्टिविटी चेक कर सकते हो। मदर फादर मैंने आपको बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इनकी लाइन के बारे में डिटेल दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, वहाँ से आप रीड कर लेना कि फादर किस लाइन से है और मदर क्या है। तो मैं वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। आप फीमेल देखिए गाइस कितनी सुंदर है, और हमने स्टड से मेटिंग बाहर से ली थी, तो स्टड बाहर है अभी, अभी फीमेल ही आपको दिखा सकता हूँ मैं वीडियो में। जब आप पपीज़ परचेज़ करना चाहोगे, बाय करना चाहोगे, अडॉप्ट करना चाहोगे, तो आपको मदर पेरेंट्स की दोनों की पिक मिल जाएगी मेटिंग वगैरह की। और ये विद पेपर्स पपीज़ हैं, इम्पोर्ट ब्लड लाइन के हैं, तो ये तो होना ही है कि ये विद पेपर्स तो होंगे ही। हेल्थी, एक्टिव, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, टॉप क्वालिटी के पपीज़ हैं। और गाइस, अगर विद पेपर्स हैं, इंपोर्ट ब्लड लाइन के हैं, तो थोड़ा सा प्राइस तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा ही इनका। अगर पपीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो आपको प्राइस भी थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे करना पड़ेगा, बट अगर आपको नॉर्मल क्वालिटी के पपीज़ चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे। उनके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और डिलीवरी हमारी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी, लोकेशन अम्बाला हरियाणा है। आप खुद आइए, अगर आ सकते हो तो खुद आइए, पपीज़ को चेक कीजिए, हेल्थी, एक्टिविटी, मदर फादर चेक करके फिर बच्चा लेके जाइए, हमें कोई इशू नहीं है। ये देखिए गाइस, शेडजू की प्यारी प्यारी सी फीमेल है ये मेरे पास बार बार आई थी खेलने के लिए और काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। आप शेडजू के पपीज़ के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो भी हम अवेलेबल करवा देते हैं। सो गाइस, अम्बाला हरियाणा लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खुद आके लेके जा सकते हो तो खुद आइए। पपीज़ की क्वालिटी तो गाइस बहुत औसम क्वालिटी के पपीज़ हैं। किसी भी आप नॉलेज वाले बंदे से पूछ लीजिएगा जिसको गोल्डन रिट्रीवर की नॉलेज हो, वो आपको बता देगा कि पपीज़ की क्या क्वालिटी है। और डार्क गोल्डन कलर के अंदर मदर है इन पप्स की, एंड फादर भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही फेमस फादर है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनकी डिटेल्स दे दूंगा, आप कंडीशन चेक कर सकते हो इसकी। अभी पपीज़ होने के कारण इसके बाल कट किए हुए हैं, बट फिर भी आप इसके पैरों के बालों की लेंथ चेक कीजिए, टेल के बालों की लेंथ चेक कीजिए, पपीज़ को चेक कीजिए, इसके ईयर, इसकी खड़ने का स्टाइल, स्टैग पोजीशन, स्ट्रक्चर सब कुछ प्रॉपर है गाइस। विद पेपर्स पपीज़ हैं और अभी 32 डेज़ के हो चुके हैं, कुछ ही पपीज़ हमारे बुक हुए हैं, बाकी अवेलेबल हैं आपके लिए। और गाइस, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, शायद दोबारा इनको पपीज़ को ऐसे पपीज़ आने में टाइम लग जाए, तो अगर आपको यही वाले चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं।
और गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी हो वीडियो के बारे में मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गोल्डन रिट्रीवर, शिटजू और इनके पपीज़ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, विद पेपर्स आपको बच्चे मिल जाएंगे। पेपर्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा मिलने में, बिकॉज अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा इशू चल रहा है, इतनी जल्दी मिल नहीं पा रहे, सो थोड़े टाइम बाद आपको पेपर्स भी मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।